स्वागत है आप सबका लोको पर, जो कि है हिंदुस्तान का सबसे पहला लाइव ट्रिविया गेम शो। आज ट्यूसडे का दिन है। हिप्पो जी, आपको शत-शत नमन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब अपने दोस्त से कुछ बात करके कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि उसके पर्सनल बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं कि यार उस दिन क्या हुआ था, तूने मुझे बताया नहीं, और जब वो आपको बातें बताता है तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये कुछ छुपा रहा है या इसने मुझे पूरी बात नहीं बताई है। हमें ऐसी वाइब्स आ जाती है, ऐसी गट फीलिंग आ जाती है ना। तो अगली बार अगर आप ऐसी सिचुएशन में आप किसी से कोई सवाल पूछ के कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि जब वो अपनी पूरी कहानी बोल देना, तो उसके बाद एकदम पहले तो चुपचाप उसकी पूरी कहानी सुनिए, और जब उसने कहानी बोल दी तब भी चुप रहिए 2 मिनट के लिए, और फिर उसकी तरफ ऐसे देखिए और बस चुपचाप देखते ही रहिए, देखते ही रहिए, देखते ही रहिए। तो वो थोड़ी देर में खुद ही ऑकवर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा शायद शर्मा जाएगा, जाएगी, जो भी होगा, और वो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बता देगी जो दैट पर्सन वॉज प्रोबेबली होल्डिंग बैक। तो ये एक तरीका है जिससे आप थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी से निकाल सकते हैं। So this is Monica's Tippy Tippy Top. I hope you enjoyed and I hope you use it. अगर आप करते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। हमें कुछ फैन फोटोग्राफ्स आए थे, तो सबसे पहली फोटोग्राफ है राहुल बरेरा की, जो उन्होंने जो बता रहे हैं कि वो अपने करीबन 3-4 दोस्तों के 5 फोन्स के साथ लोको खेलते हैं, और उससे क्या होता है कि अगर एक फोन में भी एलिमिनेट हो जाए तो दूसरे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होती है आई थिंक टीम स्पिरिट। बड़ा अच्छा है यार ऐसे गैंग के साथ मिलके लोको खेलना। दूसरी फोटोग्राफ है रोहित गौतम की, और वो भी 5 लोगों के ग्रुप में लोको खेल रहे हैं। ये आप लोग की आजकल की नई ग्रुप एक्टिविटी हो गई है ना, बहुत अच्छा लगता है यार कि हम लोग को ग्रुप में कुछ नई नई चीजें करने को मिलती है, तो बहुत फ्रेशनेस आती है उससे। तो अगर आप भी इसी तरह ग्रुप में लोको खेलते हैं और आपकी ऐसी टीम स्पिरिट बनी हुई है और बड़ा सा आपका गैंग है, तो डेफिनेटली वो हमारा लोको नेशन का एक बहुत ही उमदा हिस्सा है। तो उसकी फोटोग्राफ खींच के हमें @getlokonow पर जरूर भेजेगा, और #tag डालना मत भूलिएगा। #tag क्या है? #LocoNation। तो डेफिनेटली आप हमें ये फोटोग्राफ्स भेजिए, हमें ये बताने में बहुत मजा आता है। और वैसे गेम के बारे में तो आपको पता ही है कि इस गेम में होते हैं 10 सवाल। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होता है 10 सेकंड का समय, जो शुरू होता है जब हम सवाल बोलना स्टार्ट करते हैं। इस गेम की प्राइज मनी है पूरे 50,000 रुपए। तो आज की फिंगर्स क्रॉस तो हम यहाँ पे कर ही लेते हैं आपके लिए, ताकि ये गेम आप जीत सके। वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स इज सिचुएटेड इन हैदराबाद? चार मीनार, रेड फोर्ट या ताजमहल? हमें याद है बचपन में हम ना पापा मम्मा के साथ एक बार दिल्ली आगरा घूमने के लिए गए थे, तो रेड फोर्ट तो डेफिनेटली देखा था, लेकिन जब हम लोग ताजमहल पहुंचे तो उस दिन मंडे का दिन था। अब मंडे का दिन था तो हम लोग को पता ही नहीं था कि मंडे के दिन ये बंद होता, तो बस हम लोग दूर से ही देख के वापस आ गए थे। द राइट आंसर फॉर यू इज चार मीनार, एंड चार मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1591, इज अ मॉन्यूमेंट एंड अ मॉस्क लोकेटेड इन हैदराबाद। वैसे हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस होती है, मैंने बहुत सुना, और वहाँ के जो बिस्किट्स हैं वो भी, मतलब हमारा कोई भी दोस्त आता है हैदराबाद से तो जरूर उससे मंगवाते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया आफ्टर हिंदुइज्म? सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम? वेल, ये तो आपका सोशल मीडिया लड्डू था, तो डेफिनेटली अगर आप हमें फॉलो कर रहे थे @getlokonow पर, तो आपको पता ही होगा इस सवाल का जवाब क्या है, और अगर आपको नहीं पता था तो आप हमें डेफिनेटली फॉलो करना मत भूलिएगा इस गेम के बाद। द राइट आंसर फॉर यू इज इस्लाम, एंड वी हैव गॉट अबाउट 66,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। 2011 के सेंसस के मुताबिक 79.8% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फॉलोज हिंदुइज्म, और बाकी 14.2% फॉलोज इस्लाम, एंड क्रिश्चियनिटी इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3। Whom did actress Neha Dupia recently get married to? Angad Bedi, Kunal Kapoor या Anand Ahuja? Well, अगर आप लोग इतना सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम के सर्च पर नजर आ रही है ना,
कि अरे इसकी भी शादी हो गई, अरे इसकी भी शादी हो गई। हमारे तो सारे फ्रेंड्स यही देख देख के चौंक रहे थे रोज कि यार कितने लोगों ने पिछले 3-4 महीने में शादी कर ली। वेल द राइट आंसर फॉर यू इज अंगद बेदी और नेहा धूपिया मैरिड एक्टर अंगद बेदी इन दिल्ली ऑन 10th of May। और अंगद बेदी अगर आपको नहीं पता तो आपने उन्हें डियर जिंदगी या फालतू फिल्म या पिंक में जो वो विलन बने थे इतने खतरनाक वाले, वो है अंगद बेदी। और दैट वॉज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। When measured from its oceanic base, which is the tallest mountain on earth? Mount Everest, Brasstown Bald या Mauna Kea? Well, let me tell you कि Mauna Kea एक inactive volcano है हवाई में, और अगर आप sea level के ऊपर से measure करते हैं तो फिर Mount Everest हमारा सबसे highest mountain होता है world का। But the right answer for you is Mauna Kea, क्योंकि Mauna Kea का कुछ हिस्सा जो है वो Pacific Ocean के अंदर है और वहाँ से उसके पानी के निचले हिस्से से अगर आप उसे मेजर करें तो हमारे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। सो वी हैव गॉट अबाउट 16,000 पीपल हैव गॉट इट राइट। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। लेजेंड सेज डैश वाज पॉपुलराइज्ड बाय अ हैंडकरचीफ नूरजहां गेव टू जहांगीर। आरी, चिकनकारी या जरदोजी? वेल, अगर आपको ये छोटा सा एनेक्डोट नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि नूर जहाँ ने जहांगीर को एक मलमल के रुमाल में ये एक बहुत अच्छी सी नक्काशी यानी कि डिजाइन बना के दी थी और एज एन ओड ऑफ लव टू जहांगीर। और द राइट आंसर फॉर यू इज चिकनकारी। हाँ, उन्होंने चिकनकारी की एक डिजाइन बना के जहांगीर को दी थी और जहांगीर को वो इतनी छू गई थी, इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने लखनऊ के नवाब्स में वो चीज़ बड़ी पॉपुलराइज कर दी थी और कहीं ना कहीं लखनऊ चिकनकारी का एक हब बन चुका है जो आज तक वहां पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट? हैमबर्गर, ब्रेडजेल या सैंडविच? वेल, डू यू नो दैट दिस पर्टिकुलर फूड आइटम वाज नेम्ड आफ्टर जॉन मोंटागु? एंड द राइट आंसर फॉर यू इज, वैसे हम आपको बता दें कि ऐसी चीजें जो आप ऑलमोस्ट हर रोज ब्रेकफास्ट में खाते होंगे। द राइट आंसर फॉर यू इज सैंडविच एंड वी गॉट अबाउट 9300 पीपल हैव गॉट इट राइट। हमें याद है बचपन में हम लोग को जब बहुत भूख लगती थी ना तो हम सब कजन्स मिलके छुट्टियों में रात को किचन में चुपके से जाते थे और ब्रेड में सॉस लगा के, और हम लोग का सेव उज्जैन का बड़ा फेमस है, वो सेव को बीच में डाल के एक सैंडविच बना के खाते थे और बड़े मजे करते थे। क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री विल नॉट एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन जून 2018? सेनेगल, Uruguay या Thailand? Well, let me tell you that during June, it is summer solstice in the northern hemisphere and winter solstice in the southern hemisphere. So because of, the right answer, which is Uruguay, So because Uruguay lies in the southern hemisphere as it is on the south of the equator, it experiences summertime in December solstice. तो ये बहुत सारी scientific knowledge है आपके लिए और इसी reason की वजह से इस साल June में जो सबसे बड़ा दिन है वो Uruguay नहीं experience कर पाएगा। We've got 5,000 people getting it right. What the Nobel Prize for Physics? The dash is for mathematics. Fields Medal, Lasker Award या Charles Rees Award? Let me tell you that recently in 2014, Manjul Bhargava was the first person of Indian origin to win this particular award in 2014. So the right answer for you is Fields Medal, और ये mathematics का बहुत ही honored award है, and this award is given to 3 to 4 people जो कि 40 साल की उम्र से कम के होते हैं, और ये एक event organize किया जाता है International Congress of the International Mathematical Union, जो 3 से 4 लोगों को ये award present करता है 4 साल में एक बार। Where is the oldest golf club outside of Great Britain situated? Kolkata, Singapore या Thiruvananthapuram? अगर आपको इसका सही जवाब नहीं पता है और लोकल अगर आपको इसका सही जवाब देने वाला है तो आई एम गोना टेल यू कि यू आर गोना बी सो 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 प्राउड अबाउट बीइंग एन इंडियन, क्योंकि हमारे इंडिया में खेल कूद को लेके यार बड़ी बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। तो कोलकाता इज द राइट आंसर फॉर यू। और अगर आपको पता है तो कोलकाता में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, विच वॉज फाउंडेड इन 1904। एंड कोलकाता में हम लोगों ने आपसे कल जो सवाल पूछा था ईडन गार्डन्स को लेके, तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। So, Kolkata kudos. We have a lot of sports people coming from there, right? Who was the first Indian woman to win an Asian Games gold medal? P.T. Usha, Surekha Yadav, Kamaljeet Sandhu? Well, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की इतनी बात कर ही रहे हैं तो क्या आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की है? अगर की है तो
वो एक्टिविटी करते हुए हमें फोटोग्राफ अपनी जरूर भेजिएगा @getlokonow पर, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ मस्ट मस्ट इन टुडेज वर्ल्ड. द राइट आंसर फॉर यू इज कमलजीत संधू, एंड वी हैव गॉट अबाउट 1600 पीपल हु हैव गॉट इट राइट, एंड शी इज अ फॉर्मर वुमेन इंडियन एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1970 के बैंकॉक एशियन गेम्स में इन 400 मीटर रेस. वेल ऑल यू विनर्स आउट देयर, वी हैव गॉट प्रतीक सिंह, वी हैव गॉट डेड 12, वी हैव गॉट सच डीडी 97, अवी डो, वी हैव गॉट स्पर्श @ त्यागी, राजर्षि घोष, तुष 5677, ऑल ऑफ यू गाइस बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू. आप लोगों ने 29 रुपीज जीते हैं, एंड आई होप आपको ये गेम खेलने में बड़ा मजा आया. मूविंग ऑन टू आज रात का लड्डू. Rahul Kanoli Praveen is an Indian professional footballer who plays as a midfielder for Indian Arrows in the I-League. I'll repeat it for you. Rahul Kanoli Praveen is an Indian professional footballer who plays as a midfielder for Indian Arrows in the I-League. तो अब ये जो लड्डू आपको मिल चुका है, इससे आप बहुत ज्यादा अपने पार्टी भी कर सकते हैं, एंड आई होप ये जीत में भी मिठास लेके आया है. और आप इस जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें जरूर बताइएगा. हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे इतनी सारी बातें करते हैं. मैं कल किसी ने बोला भी था कि कोलकाता में अगर आप आओ तो हल्दीराम के गुलाब जामुन जरूर खाना. वेल थैंक यू फॉर कीपिंग मी अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग. दिस इज मोनिका साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैव फन यू गाइस, बाय बाय.